तो ये 80 रुपए वाला जिंगर है, देख रहे हो आप लोग। अयान क्या लेने आए हो आप यहाँ पर? यहाँ जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर कितने रुपए वाला? 80 वाला। आप क्या खाने आई हो यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमजा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे साथ अभी यूसुफ मौजूद है। तो यूसुफ, हम क्या ट्राई करने आए थे बताओ? हम जो आज ट्राई करने आए हैं वो है जिंगर बर्गर, और वो 80 रुपीज में, यकीन नहीं होता 80 रुपए में जिंगर बर्गर। कराची का सबसे सस्ता जिंगर बर्गर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो भाई इनसे जानेंगे 80 रुपए में कैसे दे रहे हैं। भाई मरी हुई मुर्गी तो नहीं डाल ले उसमें, या कौन सा गोश्त डालने, कैसा टेस्ट है, सब आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। तो वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। आप चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा भाई, भाई हमारे साथ हैं, भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरूक। तो भाई फरूक भाई, इतनी महंगाई में चिकन की रेट हाई चल रही है, 80 रुपए में जिंगर कैसे दे रहे हो भाई आप? ये बस लोगों की दुआएं हमारे साथ जुड़ी हैं, इसलिए हम लोगों का ये काम चल रहा है। अच्छा तो ये चेस पीस डाल लो, कौन सा पीस डाल लो? चेस पीस होता है। चेस पीस होता है। तो जिंगर बर्गर के अलावा क्या क्या है आपके पास? जिंगर बर्गर होता है, कलब सैंडविच होता है, शोरमा होता है, ब्रोस्ट होता है। अच्छा जी, इस तरह के सारे। अपनी टाइमिंग बताइएगा जरा। दोपहर शाम 6 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक। और अपना एक दफा एड्रेस बता दें। हमारा एड्रेस है मेन लियाकतबाद डाखाना, यानी कि मेन रोड के ऊपर ही। चलें भाई, आप अपना जिंगर बनवाते हैं, उसका टेस्ट फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, सही है? चलें। बन भी देखो आप, बन की क्वालिटी भी ना कोई हल्की नहीं है। ये आप बोलोगे रेट के हिसाब से ऐसा हो वैसा हो। तो अभी ये बर्गर रेडी कर रहे हैं 80 रुपए वाला, लेट्स सी, देखते हैं कि कैसा है भाई। भाई बर्गर ट्राई बना रहे हैं भाई, ये चिकन गई इसमें सही है भाई, ये चिकन के पीस जा रहे हैं क्रिस्पी। ये भाई ये बड़े बड़े पीस वेट के हिसाब से, ये इसमें केचप गई इनकी, चिली गार्लिक केचप आ गया सही है। अब इसमें मायो गई, वाह 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 वाह। और ये इसमें बन आ गया, और ये हो गया 80 वाला जिंगर रेडी, जबरदस्त हो गया भाई। अच्छा जी, तो ये इनके जिंगर के रेट है भाई, और बाकी क्लब वगैरह भी आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो। इतने कोई ज़्यादा रेट नहीं है हर किसी के, ये देख सकते हो आप। क्लब सैंडविच 140। हाँ भाई क्या नाम है आपका? अयान। अयान क्या लेने आए हो आप यहाँ पर? यहाँ जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर जी। कितने रुपए वाला? 80 वाला। खाते हो आप जी? कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, डेली आते हो? नहीं कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हो जी। अच्छा भाई, अपने छोटे छोटे बहन भाई आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। साहिबा। आप क्या खाने आई हो यहाँ पर? जिंगर बर्गर खाने आई है भाई, छोटी अच्छी, ये भी इनके साथ दो बहनें इनकी। चलो एंजॉय करो आप लोग। तो ये हमारा जिंगर बर्गर आ गया 80 रुपए वाला। तो हमारा जिंगर है, इसमें चिकन है, और मायो केचप है, गार्लिक वाला इनका, और ये अलग से भी एक सॉस इन्होंने दिया अपना, और 80 रुपए में फ्राइज भी मिल रही है भाई, और क्या चाहिए 80 रुपए में। और ये यूसुफ का भी आ गया यहाँ पर जिंगर, अब इसको टेस्ट करते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं कि कैसा है भाई। भाई ये हमारा जिंगर आ गया 80 रुपए वाला, ये देख रहे हैं आप, ये जिंगर की शक्ल है भाई। इसके साथ इन्होंने सॉस दिया है अपना गार्लिक वाला ना, तो इसी के साथ इसको ट्राई करते हैं। हल्का डिप करा है उसमें, इसमें मान लीजिए भाई, रेट के हिसाब से ना चीज है। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे 300-350 वाले जिंगर से तो ऐसा नहीं है, लेकिन 80 रुपए में सही चीज़ है। ना ज़्यादा अच्छा कहूँगा मैं और ना ज़्यादा बुरा कहूँगा, रेट के हिसाब से सही है भाई। इनकी चिकन की क्वालिटी भी इतनी बुरी नहीं है, देख रहे हैं आप, चिकन भी इनकी ठीक है, मतलब
ऐसा नहीं है कि 80 रुपये में आपको कोई खराब चीज दी जा रही है। एक और बाइट लेते हैं भाई, जेब में से 80 रुपये हो ना और जिंगर खा लो, यहाँ पहुंचो जल्द से जल्द। और ये इनकी प्राइस है, प्राइस नॉर्मल सी है, ज्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे प्राइस, बस नॉर्मल सी उन्होंने कुक करके ला के दे दी। सही है, 80 रुपये में जान लोगे भाई, 80 रुपये में इससे अच्छी चीज कराची में मैं बोलता हूँ कहीं भी नहीं मिलेगी। अब यूसुफ से पूछते हैं यूसुफ को कैसा लगता है। इनका बर्गर ट्राई करके देखते हैं, अब दिखने में तो काफी सही लग रहा है ये, और टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरेज टेस्ट है इनका, जो स्पाइस है वो थोड़ी कम है, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है। जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं वो उनके लिए नहीं है, मतलब नॉर्मल स्पाइस है, क्वालिटी है, मतलब एवरेज जिंगर है ये। अब इसको ज़्यादा लो भी नहीं कहेंगे, जितनी प्राइस देंगे 80 रुपीज़ के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। अब 80 रुपये में आपको पता है अंडे वाला बर्गर भी नहीं आता, तो उसके हिसाब से तो बेहतरीन चीज़ है। अब इनकी प्राइस देखते हैं, प्राइस तो एज यूजुअल जैसी होती है वही है, बहुत अच्छी क्वालिटी बनाई है। और प्राइस के हिसाब से लेकिन नोट करने वाली बात है, प्राइस 80 रुपीज़ बहुत कम रेट है। तो फाइनली भाई हमने अपना जिंगर बर्गर खाया, और जिंगर बर्गर बहुत सही था, और ज़्यादा कोई वो नहीं था, रेट के हिसाब से तो मैं बहुत बोलूँगा बेहतर था। यूसुफ कैसा था जिंगर भाई? जिंगर देखिए रेट के हिसाब से तो आउटस्टैंडिंग था, टेस्ट भी उसका अच्छा था, जैसे रेट है उसके हिसाब से तो आपको जिंगर ऐसा ही मिलेगा, लेकिन क्वालिटी थी जायका अच्छा था भाई। जिंगर ऐसा था कि हमने पार्सल भी करवाया है, पार्सल भी लेके आ रहे हैं हम, तो ओवरऑल जो हमारा जिंगर का एक्सपीरियंस था 80 रुपये में, भाई अंडे वाला बर्गर भी नहीं आता, 80 रुपये में आपको जिंगर बर्गर दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ आए इसको जरूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त भाई जिंगर दे रहे हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी तरह एक और वीडियो में एक नई जगह पे फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।